अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द न्यू वीडियो व्लॉग। तो क्या हालचाल है आप सब लोगों का, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने तो आप लोगों का वेलकम कर दिया है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि मेरा वेलकम करें, क्योंकि आप लोग इतने दिन के बाद मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तकरीबन 15 से 17 दिन के बाद मैं न्यू व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, और ये वाला व्लॉग पिछले सभी व्लॉग से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे डर लगा हुआ है कि मेरा चैनल शायद डेड हो चुका है, लेकिन इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि चैनल की क्या सूरत हाल है। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि न्यू व्लॉग कब आएगा, काफ़ी दिन हो गए हैं न्यू व्लॉग नहीं आया। तो मैंने सोचा हुआ था कि एक ही दफ़ा मैं व्लॉग बनाऊँगा जब मैं ट्रैवल करूँगा मुल्क से बाहर, तो इस वजह से मसरूफियत भी काफ़ी ज़्यादा थी, मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना सका। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं फिर सफ़र करूंगा, ट्रैवल करूंगा, मदीना जाऊंगा, तो उस वक्त व्लॉग बनाऊंगा। तो हमेशा की तरह बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं व्लॉग की तरफ। ये मेरा गरीब का कुछ थोड़ा सा सामान है, ये हैंड कैरी है जो मैं अपने साथ रखूंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरा चार्जर, एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, और फाइल वगैरह जो पेपर होते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे चेकिंग के लिए, वो मैंने इसके अंदर रख ली हैं। और ये वाला बैग है मेरे कपड़ों का, मतलब जो मैंने कपड़े वहाँ पे जाके पहनने और इस्तेमाल करने हैं वो कपड़े मैंने इसमें रख लिए हैं। और अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बजे हैं, तो ये मैंने पैक शैक कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी वो ऊपर जो पेपर पड़ा हुआ है वो रैपिंग मैंने करनी है। वो रैपिंग करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सोएंगे, क्योंकि सुबह मैंने निकलना है। सुबह ही बताऊँगा आपको, मैंने मतलब अगले क्लिप के अंदर आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि तब तक सुबह हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और सोते हैं, और सुबह उठ के तो फिर अगला काम जो है वो करते हैं। तो ये वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मदीने का सफ़र और नींद कहाँ पे आती है, थोड़ी थोड़ी घर की उदासी भी है, लेकिन मदीने का सफ़र है तो फिर उड़ भी जाती है, उदासी ख़त्म भी हो जाती है और नींद भी उड़ जाती है। अगले दिन सुबह के 10 बजे का टाइम है, और मैं जा रहा हूँ पाकपतन से मुल्तान, क्योंकि मुल्तान एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है मदीना की, तो इस वजह से हम मुल्तान की तरफ जा रहे हैं। नाश्ता वाश्ता मैंने इतना कुछ खास नहीं किया, एक दो ब्रेड खाई थी और साथ में एक कप चाय का मैंने पिया था। लाहौर की निस्बत मुल्तान का सफ़र थोड़ा सा अच्छा होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतना ज़्यादा रोड के ऊपर रश नहीं होता जितना ज़्यादा रश लाहौर के रोड्स के ऊपर होता है, क्योंकि पाकपतन से लाहौर जाते हुए बहुत ही ज़्यादा रश होता है। बाकी ट्रैवल तो फिर हो ही जाता है, चाहे रश हो या चाहे खाली रोड। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और सर्दी भी इंतहा की है। मुल्तान के तकरीबन बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे हम, 20 किलोमीटर का सफ़र रह गया था एयरपोर्ट का, और एक होटल आया वहाँ पे हम लोग रुके थे, और मैंने सोचा कि जुमा वगैरह पढ़ लें और साथ में कुछ पेट पूजा भी कर लें। तो जुमे का टाइम हो गया था तकरीबन 1:45 पे जमात खड़ी हुई थी, और जुमा पढ़ने के बाद हमने खाना शाना मंगवा लिया था कि थोड़ा सा पेट पूजा ज़रूर करनी थी, क्योंकि आगे सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था। खाना खाने के बाद अगर चाय ना पी जाए तो फिर खाना अधूरा लगता है, तो इस वजह से खाने के फौरन बाद ही हमने चाय भी मंगवा ली थी, क्योंकि मेरा ये आइडिया था कि अगर हमने चाय अभी ना पी तो दोबारा से हमें फिर गाड़ी रोकनी पड़ेगी और कहीं से चाय पीनी पड़ेगी, तो फिर हम लेट ना हो जाए। तकरीबन 4 घंटे और 20 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं मुल्तान, और मुल्तान हम पार्किंग ढूंढ रहे थे। पार्किंग ढूंढते ढूंढते ही हमने 3-4 चक्कर लगा दिए, क्योंकि पार्किंग में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रश था। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई थी, तो 2 चक्कर लगा के हमने पार्किंग ढूँढी, और पार्किंग ढूँढने के बाद मैं अंदर गया था, और अंदर भी आपको जाके सूरत हाल यहाँ पर नज़र आएगी कि अंदर भी बहुत ज़्यादा रश था एयरपोर्ट के। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर आया हूँ, मैंने जाकर बोर्ड पढ़ा और रीड किया, तो उसके ऊपर पता चला कि जो मेरी फ़्लाइट है उस फ़्लाइट की चेकिंग ओपन है, क्योंकि 3 घंटे पहले चेकिंग ओपन हो जाती है जो भी फ़्लाइट हो। तो मैंने ट्रॉली उठाई और अपना सामान उठा के ट्रॉली के अंदर रखा, और फिर मैं लाइन के अंदर लग गया। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, उस लाइन से होके मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया था, और एयरपोर्ट के अंदर आने के लिए बोर्डिंग के लिए जो लाइन थी वो भी लाइन आप देख सकते हैं कि सीधी लाइन जा रही है। पहले ये देखें, ये सामने सीधी लाइन जा रही है और आगे जाके लेफ्ट हो रही है, लाइन टर्न हो रही है। कहने का मकसद यह है कि एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा रश था। बोर्डिंग वाली लाइन में लगने के बाद इमिग्रेशन हुआ, और इमिग्रेशन होने के बाद मैं जाके वेटिंग रूम में बैठ गया था। वहाँ पे कुछ मैंने हल्का फुल्का खाना शाना खाया था, क्योंकि भूख हल्की हल्की मुझे लग गई थी, और उसके बाद वेट करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद, मतलब जो भी मराहिल थे उससे गुजरने के बाद हम प्लेन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि गेट ओपन हो गया था और फ़्लाइट का टाइम जो एग्जैक्ट था सेम उसी टाइम पर फ़्लाइट बिल्कुल रेडी खड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं कि जहाज़ बिल्कुल बाबा जी लश पश टाकी शाकी मार के खड़ा किया हुआ है।
मैं कम्प्लीटली ईजी था, उसकी वजह यह थी कि ये मेरा पहला प्लेन का सफ़र नहीं था, क्योंकि थर्ड टाइम मेरा ये सफ़र था। फर्स्ट टाइम मैं दुबई गया था और पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं दूसरी दफ़ा प्लेन का जो मैंने सफ़र किया था वो भी मदीने का किया था, और अगले साल मतलब अब तीसरा सफ़र मेरा ये प्लेन का था। इस वजह से मुझे कुछ कुछ पता था, मतलब ज़्यादा मुझे पता ही था, तो इतना ज़्यादा कोई इशू वाली बात नहीं थी। तो प्लेन के अंदर आने के बाद हमने ढूंढी अपनी सीट, सीट नंबर ढूंढने के बाद हम अपनी सीट पे बैठे और अपना जो हैंड कैरी मेरा बैग था जो मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में दिखाया था, वो वाला हैंड कैरी बैग मैंने अपने सीट के ऊपर वाले केबिन में रखा और आराम से सीट पे हम बैठ गए थे। प्लेन के 20-25 मिनट फ्लाई करने के बाद ऐलान हुआ कि एक लड़की की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो प्लेन में कोई डॉक्टर आए तो वो यहाँ पे पहुँच जाए। वो लड़की को ये हुआ था कि वो कुछ खाना पीना घर से करके नहीं आई थी, उसका पेट खाली था, और जैसे ही प्लेन फ्लाई हुआ उसका बीपी लो हुआ और बेहोश हो गई वो। तो उसको फिर ड्रिप्स वगैरह लगाई और उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन मुझे ये डाउट पड़ गया था कि कहीं कराची के ऊपर हैं हम और ये कराची एयरपोर्ट पर लैंड ना करवा दें। तो थोड़ी देर के बाद खाना शाना भी हाजिर हो गया, इसके ऊपर लिखा हुआ था जी हैदराबाद बिरयानी, तो हमने तो ये खाई नहीं क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी खराब था, 2-3 बाइट हमने ली हैं। उसके बाद मुझे थोड़ी सी सुस्ती चढ़ रही थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, 4 घंटे का सफ़र पहले भी किया था और अभी भी मुसलसल 2.5 घंटे हो गए थे सफ़र में। ये देखो तुम्हारी वीडियो पर तुम्हारी टीचर को दिखानी है। तो। स्कूल जाओगे ना तुम्हारी टीचर को दिखानी, ठीक है? क्यों, टीचर ने क्या कहना? डांटेगी तुम? तुम टीचर को डांट देना। तो फाइनली 5 घंटे और 20 मिनट प्लेन उड़ने के बाद मदीने के एयरपोर्ट पे लैंड करने लगा था, और मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका व्यू भी जरूर दिखाना चाहिए क्योंकि ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। अपना रनवे पूरा करने के बाद ये जिस स्टॉप पे जाके रुकना चाहिए था इसको स्टॉप पे जा रहा था, और आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 7 से 8 छोटे प्लेन मदीना के एयरपोर्ट पे रेडी बिल्कुल फ्लाई करने के लिए खड़े हुए थे। जैसे ही प्लेन रुका था लोगों ने प्लेन के अंदर ही मछली बाजार शुरू कर दिया, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक लोकल बस के अंदर शोर मच जाता है। जैसे इनका बस नहीं चल रहा था कि प्लेन रुकने से पहले ही शीशे के अंदर से बाहर छलांगे लगा दें, ओ भाई आराम से सबको, सबको ही नीचे उतारना है उन्होंने और सबको ही अपना अपना सामान मिल जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुआ, इमिग्रेशन हुई, और इमिग्रेशन होने के बाद मैं अपने सामान के लिए खड़ा हुआ था क्योंकि अभी ये वाला बेल्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। जैसे ही ये बेल्ट स्टार्ट होगा तो आपका सामान आना स्टार्ट हो जाएगा। 20-25 मिनट इंतज़ार करने के बाद बेल्ट भी ओपन हो गया था और सामान भी आना शुरू हो गया था, लेकिन मेरा सामान अभी तक नहीं आया था, तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था क्योंकि यहाँ पे बड़े ध्यान से खड़ा होना पड़ता है, अपने सामान की हिफाजत खुद करनी पड़ती है और नज़र में रखना पड़ता है कि मेरा कौन सा बैग है, और जैसे ही मेरा बैग यहाँ से आएगा मैं उसको उठा के नीचे ट्रॉली के ऊपर रख लूँगा। तो जैसे ही मुझे मेरा सामान रिसीव हुआ है मैं सामान लेने के बाद बाहर निकला हूँ इधर उधर देखे बगैर, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, और बाहर आने के बाद मैंने कॉल किया है क्योंकि जिन लोगों ने मुझे लेने आना था वो लोग आ चुके थे, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, इस बात को आप इग्नोर ही करें। तो वो टैक्सी खड़ी हुई थी रोड के दूसरी साइड पर, तो वो उसको लेकर यू टर्न लेकर मुझे बैठा के तो फ़ौरन से वहाँ से निकल पड़े थे क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा देर खड़े हो जाते तो उनको चालान वगैरह भी होने का ख़तरा होता है। और एयरपोर्ट से सीधा हम चल पड़े घर की तरफ क्योंकि घर जाके रेस्ट करना था, बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी।
इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियोस देखते रहना, मज़े मज़े की वीडियो, मदीने की वीडियो आपको आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।